अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अबे जी, देखिए ना, जुबले भैया कब से अंजू भाभी को मारे, वो दर्द से चीख रही है। कुछ करिए। अरे दरवाजा खोलिए, अंजू मर जाएगी, क्या कर रहे हैं? अरे मर जाएगी वो। अरे आप कुछ कीजिए ना, दरवाजा खोलिए। भैया भैया दरवाजा खोलो। अरे खोलिए ना बड़के साले साहब, दरवाजा खोलिए। भैया दरवाजा खोलो। जुबली भैया जी दरवाजा खोलिए, अभय आया है। भैया दरवाजा खोलो, ऐसा बात करो भैया। अभय जी दरवाजा खोल दीजिए। भैया अंजू हमारी पत्नी है, हम चाहे जो मर्जी उसके साथ करें। तुम सबको कहा निकल जाओ सबके सब। अगर तुम छोटे हो ना तो छोटों की तरह रहो। हम कह रहे हैं आज बीच में मत आना, हम अपने आपे में नहीं, हट जाओ। अगर बड़ा भाई अपनी सीमा भूलकर ऐसी हरकतों पर उतर आए तो छोटे भाई को कमान हाथ में लेना ही होता है। क्या कहना चाहता है? माफी मांगे भाभी से। माफी, हम माफी मांगे इससे। अरे इतने बुरे दिन नहीं आए हमरे कि हम औरत जात से माफी मांगे। चलो निकल, निकलो सब निकलो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर माँ अपने दिमागी तौर पे ठीक होती ना तो वो भी आपको यही सजा देती जो मैं अभी देने वाला हूं। कहना क्या चाह रहा है? अबे क्या सजा देने वाला है जुबली को? आज मैं इस घर में ऐसी घटिया सोच और ऐसी हरकतों को पनपने नहीं देने वाला हूं। साले साहब ये क्या कर रहा है छोटे? मैं आपको उस दर्द का एहसास दिला रहा हूं भैया जो जो भाभी को महसूस हो रहा है। बड़े भाई पर हाथ उठा रहे। अगर वो शांत बैठी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते जाएंगे। जरा सोचिए, भाभी को भी ऐसा ही दर्द होता होगा। अगर भाभी नहीं बोल सकती तो क्या हो गया? उनका देवर यही खड़ा है और देवर बेटे समान होता है और भाभी मां समान। अगर मां पर कोई भी जुल्म करे तो मैं उसे माफ बिल्कुल नहीं करूंगा। रुकिए माँ जी, ये देखिए, ये आपकी दो तरह की परवरिश। एक ही घर में दो बेटे, एक जो औरत की इज्जत नहीं करता और दूसरा जो उसी औरत की इज्जत के लिए इतना परेशान हो रहा है। अरे बस कीजिए। अरे रुक जाइए, मत कीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ के माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। देख लिया भैया, अरे जिस औरत पर आपने इतना जुल्म किया वही आपको बचा रही है।
नहीं देख पा रही आपको दर्द में। अरे आप तो शर्म कीजिए अपने किए पर। अरे दूर हटो छोटी, हटो पीछे पीछे हटो। अरे आइए बैठो झुनझुन। ठंडक पड़ गई कलेजे में। आराम से लेकर जा। भाभी चलिए। बैठिए भाभी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। बस भाभी हमें माफ कर दो बिंदिया, ताने पर तुम्हारे साथ खड़े ही नहीं रह पाए। सब सच जानते हुए भी कुछ नहीं किया, उनका ही साथ दिया, फिर भी तुमने हमारी परवाह की और हमारी मदद की। आप हमारी जेठानी है भाभी, और जेठानी का मतलब बड़ी बहन जैसा होता है ना। हम जानते हैं भाभी कि आप अभी तक क्यों चुप है। इन्होंने आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है ना, आपको मजबूर किया है ना। आपको डर है कि कहीं आपके पति आपको घर से ना निकाल दे, तो फिर आपकी छोटी बहनों से कौन ब्याह करेगा। कब तक चलेगा ये बंदिया, कब आएगा वो दिन जब सच सबके सामने आ जाएगा। कौन सा सच? देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।